गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्पाई। सो आई मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इतना बड़ा अमेज़न हॉल। सो ये बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी मंगाई हैं जो बहुत पसंद आने वाली हैं। बड़ी ही क्यूट सी चीज़ें हैं, कुछ तो आपको आई एम श्योर पसंद आएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत बड़ा गिव अवे भी आने वाला है। तो अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर आपको पसंद आने वाली है। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। एंड प्लीज़ गाइज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो, सो दैट आपको इसे डेली की अपडेट्स मिल सकें, राइट? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आइटम नंबर वन से। सो गाइस एज यू कैन सी बस यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, एंड मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपको ये चीज़ ना बहुत पसंद आने वाली है। सो मेरे पास ना मतलब बहुत सारे, आप आई थिंक आप देख सकते हो कि टैडी वगैरह का मुझे बहुत शौक है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट आई हैव ऑर्डर। सो मैंने कुछ इस तरीके से, वाओ, मैंने ना ये हार्ट शेप में मैंने मंगाया था। सो ये मैंने स्पेशली वीडियोज़ के लिए ही ऑर्डर किया है, पीछे से बैकग्राउंड में रखेंगे तो बड़ा क्यूट सा लगेगा। सो हार्ट शेप में है, रेड एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है, बहुत ही प्रिटी लगता है लाइक दिस। आप इसको ऐसे ना हैंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हैंगिंग के लिए भी सपोर्ट दे रखा है। इसके साथ मुझे दो क्यूट क्यूट से लिटिल से हार्ट फ्री मिले हैं। यहाँ पे इसका ऐसे लाइक पीछे से स्टिकर दे रखा है, तो आप इसे ना इसे स्टिक कर सकते हैं अपनी वॉल पे या अपने अलमीरा पे, ये बहुत प्रिटी लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये दो छोटे छोटे से क्यूट से हैं एंड ये एक बड़ा सा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो ये है मेरा आइटम नंबर वन। मूव ऑन करते हैं आइटम नंबर टू की तरफ। सो इस बार मैंने अपने लिए एक डेनिम की जैकेट ऑर्डर करी है। आई नो मतलब थोड़ा सा मुझे रिस्की लगा था, मैं सच बताऊँ ऑर्डर करने में, तो मैंने सोचा यार चलो ट्राई कर लेते हैं जब हम इतनी चीज़ें ट्राई कर ही रहे हैं। तो सो ये है वो डेनिम की जैकेट, और अभी हल्की फुल्की ठंड स्टार्ट हो चुकी है। सो आपको चाहिए होती है मतलब ऐसा कुछ जो आप यू नो जीन्स के ऊपर ऐसे पहन सकें और आप इजीली यार गुड टू गो, ज़्यादा सोचना ना पड़े। सो इसलिए मैंने ये जैकेट ऑर्डर करी है। फुल स्लीव्स में है एंड इतनी इसकी लेंथ है, आपको दिख जाएगा जब मैं इसे पहनूंगी तो। और ये बहुत कूल लगती है, आप जीन्स डाल लो, कोई भी क्रॉप टॉप डाल लो, उसके ऊपर अपनी डेनिम जैकेट आप वेयर कर लो। सो बहुत स्टाइलिश लगती है एंड सिंपल लगती है एट द सेम टाइम। सो ये आपका एक प्रॉपर विंटर बोल सकते हो आप पेयर बन जाता है जब आपके पास ऐसी कोई जैकेट होती है। तो आई थिंक आपके कलेक्शन में एक ऐसी डेनिम जैकेट डेफिनेटली होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, बहुत अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गई है। सो ये है मेरा सेकेंड पीस। मूव ऑन करते हैं आइटम नंबर थ्री की तरफ। सो थर्ड आपको बहुत पसंद आने वाला है, दिस इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। सो ये है मेरे पास एक क्यूट सा साइड बैग आप बोल सकते हैं, जैसे अब आप जीन्स पहन रहे हो और अगर आपके पास कोई क्लच नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये है एक साइड क्लच, इस तरीके से है ये, और यहाँ पे आपको ऐसे चेन दे रखी है विद गोल्डन डिटेलिंग, एंड ये इस तरीके से है। यहाँ पे एक ऐसे बो टाइप का दिया हुआ है फॉर डिज़ाइन, और ये देखो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे खुल जाता है, ऐसे ओपन अप हो जाता है लाइक दिस, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। सी अभी इसमें न्यूज़पेपर भरे हुए हैं, बट काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, मतलब आपका इसमें यू नो थोड़ा सा मेकअप का और आपका कैश वगैरह आप इसमें आराम से रख सकते हो, अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हो, उसमें इतना अच्छा खासा स्पेस है, और थोड़ा बहुत अपना सामान भी आप इसमें डाल सकते हो। एंड ये थोड़ा सा ना ब्राउनिश कलर में है, मतलब ब्राउन कलर का है ये, देखो ब्राउन में है, और ये फेदर का कपड़ा दे रखा है, तो बहुत सिंपल लगता है, एलिगेंट लगता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप इसको जीन्स डालो एंड ये डालो, मतलब कुर्ती के ऊपर भी इसे पहन सकते हो इस तरीके से, और ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। सो मुझे ऐसे क्लचेस बहुत पसंद हैं जो मुझे हाथ में भी ना पकड़ना पड़े और मैं इसको साइड में टांग लूँ और मेरा सामान भी आ जाए, तो बहुत मतलब इजी हो जाती है ना लाइफ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वजह से। सो ये है मेरा नेक्स्ट पीस। जब मैंने इतनी शॉपिंग अपने लिए करी है तो मम्मा के लिए कुछ ना करूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मम्मा के लिए बोलो, घर के लिए बोलो, एक ही बात है। सो ये मैंने मंगाया था मम्मा के लिए साड़ी कवर, इसमें अभी दो तीन ही बचे हैं, ऑल्दो ये पूरे 24 का सेट था। सो यार ये जो ऐसे पीसेस होते हैं ना, जैसे अगर आप
साड़ी वगैरह रखने के लिए ना बहुत ईजी हो जाता है, सिक्योर रहती है, मॉइस्चर फ्री रहती है, तो इस तरीके से है। ये वाला बहुत सिंपल है मेरे पास, मतलब अलग डिज़ाइन में भी है, मैंने 2-3 ऑर्डर किए हैं इस बार, साड़ी कवर मैंने बहुत ऑर्डर किए हैं। तो यस, यहाँ पे इसकी चेन दे रखी है लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं एंड बंद कर सकते हैं। अच्छी है क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा, जिस रेंज में मुझे रिसीव हुए थे, एज आई सेड कि 24 का पीस था, अभी यहाँ पे हमने बहुत सारे यूज़ कर लिए हैं, हेयर आई एम ओनली हैविंग 5, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है यार इन चीज़ों के। वैसे देखो बहुत सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो मुझे लगता है ना कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास स्टोरेज बॉक्सेस, मेरे पास बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस हैं, मतलब मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज ही पसंद है, मेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे बर्दाश्त भी नहीं होता, मुझे बहुत गंदगी में मैं रह नहीं सकती। सो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम, एंड आई थिंक आपको अपनी मम्मा के लिए ज़रूर ऑर्डर करना चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास कभी बहुत बार ऐसा होता है कि अलमीरा में जगह नहीं होती है, या फिर हमारी साड़ियाँ ऐसे उधर फिक्की होती हैं, साड़ी ही क्यों, आप इसमें अपने सूट्स को एंड कुछ भी कह कर सकते हो, कुछ भी अच्छे से रख सकते हो। सो या ये है नेक्स्ट चीज़, ओवन करते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। सो मेरा रिग्रेट फ्रॉम दिस हॉल, इसकी पिक्चर मैं दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से ये था एंड बहुत सस्ता मिल रहा था, पता नहीं इस बार मेरे को क्या शौक चढ़ा कि मेरे को था सस्ता मिल रहा है, चलो मंगा के देखा जाएगा, ऐसे यार पता नहीं मैंने क्यों किया होगा, मुझे खुद ही नहीं पता। ठीक है, तो मैंने ना ये लहंगा मंगाया था, आई एम सेटिस्फाइड विद द लहंगा एंड दुपट्टा। देखो इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है ना, मतलब मुझे बहुत पसंद आया था कलर कॉम्बिनेशन। देखो ये इसका लहंगा, मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मुझे पसंद क्या आया, मैं आपको दिखाऊंगी मुझे पसंद क्या नहीं आया। ठीक है, तो देखो ये इसका लहंगा है, ठीक है, और इसमें वाइट कलर से पर्ल की डिटेलिंग दे रखी है लाइक दिस करके, इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे गोटा पट्टी का काम दिया हुआ है, आप इसे स्टिच करा सकते हैं, ये सेम स्टिच है, और अंदर इसकी लाइनिंग दे रखी है, लाइनिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिया है, बहुत अच्छा कपड़ा नहीं है, बट ठीक है इस प्राइस रेंज पे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, और इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है लाइक दिस, इस तरीके से ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, एंड लहंगा अच्छा है, लहंगे में मुझे कोई कमी नहीं लगी है, और ऑब्वियसली इसमें कोई कैनकन वगैरह आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बात करती हूँ दुपट्टे की, तो ये देखो इस कलर में इसका दुपट्टा है, एंड यहाँ पे साइड में ऐसे गोटा पट्टी का अगेन काम दिया है, जैसा उसमें लहंगे पर था बिल्कुल वैसा ही काम दे रखा है, और इसे आप इस तरीके से पहन सकते हो, आ जा इस तरीके से, देखो मैं दिखाती हूँ लाइक दिस, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, मतलब हल्का सा पैरेट वाला जो कलर होता है ना, वो वाला कलर है, ये कितना प्यारा लग रहा है, हाय अच्छा लग रहा है ना, और ये ब्लू के संग बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, अब कमी भी सुन लीजिए कि क्यों मुझे पसंद नहीं आया, आप देखो ब्लाउज कुछ इस तरीके का दिखाया है फोटोग्राफ में, एंड वॉट दे हैव सेंड मी, ये भेजा है उन्होंने मुझे ये कपड़ा, ये ऑल्दो मैंने पहले सोचा कि चलो ठीक है इसी को स्टिच करवा लेंगे, बना लेंगे, कभी कभी पहनने के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं लहंगे कितने पहनूंगी और कहाँ पहनूंगी मैं इनको। हाँ, और वैसे भी ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा फ़ोटो में दिख रहा था, फ़ोटो में तो इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा और हैवी सा ब्लाउज़ दिख रहा था। पता है बहुत बारी क्या होता है ना कि अगर आपकी जैसे साड़ी की मैं बात कर लूँ या लहंगे की बात कर लूँ, वो सिंपल होता है, मतलब लहंगे का और दुपट्टा भी बहुत सिंपल होता है, बट अगर ब्लाउज़ बहुत हैवी होता है ना तो मज़ा आ जाता है लुक में, आपको कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है उसके अलावा, मतलब ब्लाउज़ पहनो, दुपट्टा डालो और लहंगा डालो, उसके अलावा ज्वेलरी पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बट ये बहुत सिंपल सा है, और इसका कपड़ा भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, मैंने इसे फेल कर दिया है। आपको पता है अगर मम्मा ने फेल कर दिया तो उसका मतलब ये मैं नहीं रख सकती, तो ये बहुत ही बकवास सा लगा मुझे, बट लहंगा और ये अच्छा है, बट अगर आप पहनना चाहते हैं तो आई गेस 500 रुपीज़ के आसपास ही था, तो आप मंगा सकते हैं, जैसे कभी किसी की शादी में जाना है, मतलब किसी की शादी में, मतलब ना जानना पहचान में, तो रहमान वाली शादी में जो होती है ना खाना खा के आने वाली शादियाँ, तो वहाँ पे आप इसको पहन सकते हैं, बट उतना भी अच्छा नहीं लगेगा, बट ठीक लगेगा, तो चॉइस इज़ योर्स, मतलब मुझे अच्छा लगा, बट ब्लाउज़ आपको सिंपल ही मिलेगा, आप चाहो तो इसे किसी और ब्लाउज़ के संग पैरअप कर सकते हो, DIY कुछ कर सकते हो करना चाहो तो, बट मैं इसे रिटर्न कराऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत लहंगे हैं, मैंने इसके ब्लाउज़ की वजह से ही मंगाया था, मुझे ब्लाउज़ ही नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी इसको रख के। सो
ये है मेरा नेक्स्ट पीस। मैंने अपने बाल खोल लिए क्योंकि मुझे बंधे बाल पसंद नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ। अच्छा, हम लड़कियां ना कभी अपने बालों से सेटिस्फाई नहीं होती ना कि कैसे लग रहे हैं। चलो छोड़ो, बस मैंने अभी खोल लिए, अब आधी वीडियो में आपको मेरे ऐसे बाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। सो नेक्स्ट मैंने ये ऑर्डर किया है, ओके। सो मैंने ना ये दो ऐसे ऑर्डर किए थे। ये बहुत बड़ा बैग है एंड ये स्पेशली मैंने, मुझे अभी भी अपने बाल पसंद नहीं आ रहे हैं, क्या करा जाए, कुछ ऐसे ही कर लेती हूँ टाइप्स, इस तरीके से। कुछ खास नहीं किया मैंने, बट ठीक है। चलो ठीक है। सो ये जो मैंने ऑर्डर किया है, ये मैंने स्पेशली इसे, अब अगर मैं इतने लहंगे लूँगी मंगा लूँ तो मैं रखूँगी कहाँ। तो ये एक बैग है और ये बहुत बड़ा बैग है, मैं आपको दिखा दूँगी अभी। इसके अंदर जैसे आप अपने गाउन डाल सकते हो, ठीक है, और बहुत सारी साड़ियाँ डाल सकते हो, अपनी रजाइयाँ, जैकेट्स जो विंटर्स के होते हैं ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बैग है और बहुत बड़ा है। इस तरीके से देखो, ये देखो, मैं पूरा चेन आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारे आपके गाउन वगैरह आ जाएंगे, जैसे मतलब आप 3-4 गाउन भी ना इसके अंदर बहुत आराम से आप रख सकते हो, लाइक दिस, ये कैन यू सी। और ये इतनी इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मॉइस्चर फ्री है, इंसेक्ट्स इसमें नहीं लगेंगे। बहुत सारी इसमें क्वालिटीज़ थी, मैं बताती हूँ आपको। ये आपको एक ना कुछ इस तरीके के पैकेट में आपको रिसीव होगा, इसमें लिखा है क्विल्ट बैग, बट आप इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसमें सब चाइनीज़ में लिखा है, मैं सब चाइनीज़ में लिखा है तो मैं इसको पढ़ नहीं सकती, लेकिन हाँ मतलब ये अच्छा था, मैंने देखा था। मतलब ये सारी चीज़ों से ना आपके कपड़ों को, आपकी हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखेगा। बेसिकली आपको इसमें इवन एप्सिन बॉल्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना अच्छे से आपकी चीज़ों को सिक्योर करके रखेगा। और काफ़ी अच्छी खासी इसकी, अभी आपको ना साइड में इसका फ़ोटो दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा लंबा है। तो इस तरीके से आप इसमें देखो सारी चीज़ें अपनी डाल सकते हो, लाइक दिस। और ये इसका वो दे रखा है, मतलब आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत बोलती हूँ। तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम। ऐसे मैंने दो मंगाए थे, एक की कॉस्ट आई गेस मुझे 499 समथिंग अराउंड पड़ी थी, मतलब 500 आप बोल सकते हो, 500 का ये एक बहुत वर्थ है क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इधर उधर पड़े रहने से अच्छा तो ये है कि आप इन टाइप्स के बैग में अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। सो ये है एंड ओके। सो लास्ट है मेरे पास यहाँ पे अगेन, आप साड़ी कवर बोल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको भी साड़ी जो कवर दिखाया है वो क्या है कि वो बहुत सिंपल सा है, राइट। ये जो है वो थोड़ा सा, मतलब इसमें डिज़ाइन है आप बोल सकते हैं, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। देखो आप जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे किसी प्रोडक्ट में वो उतना ज़्यादा अच्छा होता जाता है उसकी क्वालिटी। तो ये कुछ इस तरीके से है, उसमें आप एक सिंगल साड़ी ही आप उसमें रख सकते थे, बट ये जो कवर है इसमें आप बहुत सारी साड़ियाँ रख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से आपको रिसीव होगा एंड इसकी यहाँ पे दो चेन दे रखी हैं, लाइक दिस, आप इसे यहाँ पे ऐसे खोल सकते हैं। मैं इसकी पिक्चर आपको साइड में यहाँ पे दिखा दूँगी। और ये इस तरीके से इतना इसमें स्टोर है, मतलब आप इसमें 6 साड़ियाँ, उसमें लिखा था जब मैंने ऑर्डर किया था उसमें लिखा था कि आप इसमें 6 साड़ियाँ या फिर आप 6 कुछ भी रख सकते हो, साड़ियाँ ही नहीं, आप अपने कपड़े भी इसमें इवन स्टोर करके रख सकते हो, इतना इसमें स्पेस दे रखा है, लाइक दिस। ठीक है, और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा देखो अच्छा है, सामने से ये ट्रांसपेरेंट दे रखा है तो आपको पता रहेगा कि आपने अंदर क्या जो है रखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, तो बहुत इजी हो जाएगा इसको यूज़ करना और आपके लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा चीज़ों को स्टोर करना। तो ऐसे ये जो थे ये टोटल 6 थे और इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बस यही था आज के पूरे हॉल में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ऐसे डेली अपडेट्स के लिए। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि जो भी लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली सेल चल रही है और अभी बहुत सारी सेल भी आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिव सीजन भी आने वाले हैं, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय।